व्हाइट पेपर पर चर्चा जारी है राज्यसभा में, सुशील मोदी इस वक्त बोल रहे हैं, आइए सीधे रुख करते हैं राज्यसभा का। ऑलरेडी ये डिस्कशन शुरू हो चुका है, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन ऑन व्हाइट पेपर। ऑनरेबल मेंबर्स प्लीज टेक योर सीट। ऑलरेडी माननीय चेयरमैन साहब ने बताया कि डिस्कशन शुरू हो चुका है, सैंक्शनड है, ही हैज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। प्लीज आप बोले माननीय सती महोदय। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह केवल 27 दिनों के लिए देश के प्रधानमंत्री रह पाए, कांग्रेस ने समर्थन देने का ऐलान किया, लेकिन विश्वास मत हासिल करने के पहले कांग्रेस से समर्थन वापस ले लिया और श्री चौधरी चरण सिंह जी संसद का मुंह नहीं देख पाए। और इसी प्रकार पीवी नरसिंहा राव, व्हाइट पेपर पे आप बोल रहे हैं, उसी पर बोल रहा हूँ जी, बोले पीवी नरसिंहा राव जो आर्थिक सुधार के जनक हैं, जिन्होंने 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, उस नरसिंहा राव के शरीर का दाह संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया। नरसिंहा राव जी का दाह संस्कार आंध्र में ले जाकर किया गया, उनका स्मारक कांग्रेस ने बनाने का काम नहीं किया, उनका स्मारक नरेंद्र मोदी की सरकार ने और दिल्ली में बनाने का काम किया। सती महोदय, जिस नरसिंहा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए जाने जाते हैं, उस रिफॉर्म को आगे ले जाने में कांग्रेस के लोग नरसिंहा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म को भूल गए। सती महोदय, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस समय देश की अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, पब्लिक फाइनेंस बुरी अवस्था में था, आर्थिक कुप्रबंधन और वित्तीय अनुशासनहीनता थी, अत्यधिक संकट की स्थिति थी, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बैंकिंग क्राइसिस वाज मैसिव एंड स्टेक वाज टू लार्ज, पॉलिसी पैरालिसिस एंड प्रोजेक्ट डिलेज, नीतियों की अनिश्चितता और विरोध के कारण घरेलू निवेशक विदेशों में जाने लगे। द डिकेड ऑफ यूपीए वाज अ लॉस्ट डिकेड, नेतृत्व का संकट था, अर्थव्यवस्था रास्ता भटक चुका था, आर्थिक कुप्रबंधन के कारण भारत के विकास की संभावनाओं को अवरुद्ध कर दिया और भारत एक फ्रेजाइल इकोनॉमी बन गया। उपसभापति महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि यूपीए के जो 10 साल थे, दैट वाज द मोस्ट करप्ट रिजिम विच दिस कंट्री इज एवर सीन। मैं सदन को ये भी बताना चाहूँगा कि यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में उनके 7 मंत्री जेल गए, डॉक्टर ए रजा, दयानिधि मारन, सुरेश कलमडी, पवन कुमार बंसल, अश्विनी कुमार, वीरभद्र सिंह, अशोक चौहान, ये 7 लोग जो यूपीए सरकार में मंत्री थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा और उनको जेल जाना पड़ा। डॉक्टर ए रजा ये 15 महीने जेल रहे, सुरेश कलमडी जो कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन थे, 10 महीने तिहाड़ जेल में रहे, अशोक चौहान जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में जो कारगिल के वार वीडियोस के लिए जो फ्लैट्स बने थे वो सिविलियंस को देने का काम किया, दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन 2G स्कैम के अभियुक्त थे, इनको भी कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, श्री पीके बंसल इनको रेल मंत्री से इस्तीफा देना पड़ा, इनका भतीजा विजय सिंगला 90 लाख रुपया और रिश्वत लेते हुए और पकड़ा गया, लॉ मिनिस्टर अश्विनी कुमार इनको इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि कोल ब्लॉक स्कैम में सीबीआई जांच में हस्तक्षेप कर रहे थे। डॉक्टर वीरभद्र सिंह
जो एमएसएमई के यूनियन मिनिस्टर थे, हिमाचल प्रदेश में विजिलेंस का मुकदमा दर्ज हुआ और उनको इस्तीफा देना पड़ा। शशि थरूर जो एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेट मिनिस्टर थे, आईपीएल टीम कोची के विवाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो सभापति महोदय, ये थी यूपीए की सरकार जिनके सात मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप में या तो जेल जाना पड़ा और इस्तीफा देना पड़ा। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी की सरकार को 10 साल हो गया, एक भी मंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, प्रधानमंत्री पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। राफेल का मुद्दा उठा, अडानी का मुद्दा उठा, कहा कि चौकीदार चोर है, सुप्रीम कोर्ट में माफ़ी मांगनी पड़ी। और सभापति महोदय, ऐसी सरकार 10 साल तक सरकार में रहे और नरेंद्र मोदी जी लंबे समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक भी आरोप भ्रष्टाचार का नहीं लगा। और दूसरी ओर यूपी की सरकार, सभापति महोदय, कोयला ब्लॉक आवंटन, ये कोल ब्लॉक आवंटन में इन्होंने नियम बना दिया, पहले आओ पहले पाओ। ऐसा भी कोई नियम है दुनिया में कि जो पहले आएगा उसको कोयले का कैप्टिव माइंस मिल जाएगा? सीएजी के अनुसार 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में ऐसे आवंटन को रद्द कर दिया। 47 मामलों में फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गई, 14 में अभियुक्त को सजा हुई है। और दूसरी ओर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कोयले का ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑक्शन हो रहा है, कोयले का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आज़ादी के बाद 893 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, 2014 की तुलना में 57.8% उत्पादन में वृद्धि हुई है। सभापति महोदय, कोयले के कारण जो भारत पावर डिफिशिएंट था, इंडिया इज बिकम पावर सफिशिएंट कंट्री। 2014 के बाद 1,96,000 मेगावाट जनरेशन कैपेसिटी का इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पहले 12 घंटे बिजली थी, अब 20 घंटे बिजली मिल रही है। और अर्बन क्षेत्रों में 23.8 घंटे बिजली मिल रही है। सती महोदय, 2G स्कैम कौन नहीं जानता है? 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जो पोटेंशियल रेवेन्यू लॉस है वो 1,76,000 करोड़ है। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी। प्लीज टेक योर सीट। आप बोले सती महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, लेट हिम स्पीक। पारदर्शी तरीके से हुआ है। 5G को दुनिया में सबसे फास्टेस्ट तरीके से रोल आउट किया गया। आज देश के 98% गांव में 5G और 4G पहुंच चुका है। और सती महोदय, जहां यूपी के ज़माने में 2G स्कैम हुआ, वहां 5G के कारण 3 लाख करोड़ सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को ग्रॉस रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। तो प्रतिस्पर्धा नहीं, तो 5G के स्पेक्ट्रम ऑक्शन से सरकार को 1.5 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। सती महोदय, यूपीए डिकेट वॉज अ लॉस्ट डिकेट फॉर टेलीकॉम। BSNL को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। BSNL जो 2004 में $6 बिलियन की कंपनी थी, 2014 में वह लॉस मेकिंग कंपनी में बदल गई। और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो BSNL को रिवाइव करने के लिए 3.22 लाख करोड़ 3 पैकेज हमारी सरकार ने देने का काम किया। और आज BSNL का रिवाइवल हो चुका है। सती महोदय, कॉमनवेल्थ गेम्स 12 दिन का गेम था और जिसमें 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ। और भारत में G20 हुआ, 1,300 करोड़ खर्च हुए,
पूरे देश में कार्यक्रम हुआ, लेकिन एक भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सम्पती महोदय, हेलीकॉप्टर खरीद में ऑगस्टा वेस्टर्न घोटाला, हॉक एयरक्राफ्ट परचेज घोटाला, पायलटस बेसिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट घोटाला, सती महोदय नौकरी में रेलवे की नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम, सती महोदय मैं केवल भ्रष्टाचार पर अगर बोलता चलूं तो इनकी सरकार हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद सबसे भ्रष्ट सरकार कोई थी तो यूपी की सरकार थी। सभापति महोदय, बैंकों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया। अर्थव्यवस्था में बैंकिंग की सबसे बड़ी भूमिका है। जब अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में पदमुक्त हुए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक अच्छी अर्थव्यवस्था सौंप कर गए थे। सभापति महोदय, 99 के अंदर सितंबर 2013 में यूपीए सरकार में जो एनपीए था वो 12.3% पहुंच गया, और कॉमर्शियल लेंडिंग में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगा, और मार्च 2004 में जहां ग्रॉस एडवांस 6.6 लाख करोड़ था वो 8 साल में बढ़कर 39 लाख करोड़ हो गया। सभापति महोदय, 6.6 लाख करोड़ से बैंकों का लोन बढ़कर 39 लाख करोड़ हो गया। बैंकों को फ़ोन पर निर्देश जाता था फलाने उद्योगपति को कर्जा दे दो, और बैंक फ़ोन बैंकिंग के बदौलत कर्जा दिया करता था। और आज क्या स्थिति है सभापति महोदय, 2023 में GNPA 4.4%, नेट NDA केवल 1% है, और आज बैंकों का स्वर्ण युग है। दिस इज द गोल्डन एरा ऑफ बैंकिंग। आज सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स फायदे में हैं, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट 22-23 में बैंकों को हुआ है। और सती महोदय, बैंकों को अगर आज फायदा हुआ है तो उसमें भारत सरकार ने 3.10 लाख करोड़ 5 साल में रिकैपिटलाइज करने के लिए और बैंकों को पैसा देने का काम किया है। सभापति महोदय, इन लोगों को मौका मिला आर्थिक सुधार करने का। नरसिंहा राव का नाम लेते हैं, लेकिन 2004 के बाद एक भी आर्थिक सुधार इन लोगों ने नहीं किया, और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो हमने इस देश में GST को लागू किया, सभी राज्यों को लेकर GST लागू किया। आपने तो घोषणा की थी कि 2010 में GST लागू करेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से, UPA के लोगों से, 2010 में GST लागू क्यों नहीं कर पाए? और जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो 2017 में इस देश के अंदर GST लागू किया गया, और GST के कारण प्रति माह 45,000 करोड़ की बचत परिवारों को हुई है दिसंबर 17 से लेकर मार्च 2023 तक। सभापति महोदय, 2004 की स्थिति और आज 2014 में क्या स्थिति है? आज इन्फ्लेशन नियंत्रण में है, विकास दर 7% से ज़्यादा है जो दुनिया की सर्वाधिक विकास दर है। हमारे पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है, 620 बिलियन $ का रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है। पहले हम फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज थे, आज हम टॉप 5 इकोनॉमीज हैं। लोगों का भरोसा जो ख़त्म हो गया था, फिर से एक बार लोगों का भरोसा सरकार में पैदा हुआ है। हम लोगों ने कोविड का सफलतापूर्वक मुकाबला किया। हम लोगों ने सरकारी योजनाओं में छिटपुट लाभ नहीं बल्कि सैचुरेट करने का काम किया। सभापति महोदय, आज डिजिटल पेमेंट में हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमने डिजिटल क्रांति की है, खुले में शौच से देश को मुक्त किया है, मेड इन इंडिया का कोविड का टीका बनाकर पूरी आबादी का टीकाकरण किया है, और ये हमारी उपलब्धियां आज देश के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सती महोदय, 2004 और अब मैं क्या फ़र्क है? महोदय, इन्फ्लेशन तब
8.2% था, आज इन्फ्लेशन 5% है। इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स उस समय $7.6 बिलियन था, आज $22.7 बिलियन है। FDI तब $305 बिलियन था, आज $596 बिलियन है। तब स्टार्टअप्स 350 थे, आज स्टार्टअप्स 117,257 है। मेट्रो रेल तब यानी 2014 में 5 शहरों में थी, आज 20 शहरों में मेट्रो चल रही है। महोदय, NH का निर्माण उनके 10 साल में 25,000 किलोमीटर हुआ और नरेंद्र मोदी के 10 साल में 55,000 किलोमीटर NH का निर्माण हुआ। महोदय, उनके कार्यकाल में NH निर्माण की गति 12 किलोमीटर प्रतिदिन थी और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इट हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 29 किलोमीटर पर डे। महोदय, रेल दुर्घटना उनके समय में 233 और नरेंद्र मोदी जी के समय में इट इज़ इंक्रीज फ्रॉम 233 टू ओनली 34। रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन उनके ज़माने में 22,000 किलोमीटर और हमारे 10 साल में 60,000 किलोमीटर और इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। एयरपोर्ट की संख्या उनके समय में 74 थी, आज 149 है। सभापति महोदय, टॉल प्लाजा पर वेटिंग लाइन उनके समय में 12 मिनट टॉल प्लाजा पर इंतज़ार करना पड़ता था, आज केवल 47 सेकंड टॉल प्लाजा पर इंतज़ार करना पड़ता है। मोबाइल ब्रॉडबैंड के सब्सक्राइबर उनके समय में 6 करोड़ थे, आज नरेंद्र मोदी के समय में 24 में 90 करोड़ हैं। आप राज्यसभा की कार्यवाही देख रहे थे, श्वेत पत्र पर विस्तार से चर्चा हो रही है। सुशील मोदी इस वक्त